ग्रामीण बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, अगर उसका इंग्लिश सही है सर, अगर वो इंग्लिश 2 साल हमारे पास सही से पढ़ता है सर, तो आगे जाकर वो कहीं भी चला जाए, किसी भी सिटी में जाए, स्टेट में जाए, उसको अंग्रेजी समझने में, लिखने में और कम्पिटिटिव कहेंगे अच्छा सर पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते, समझ में आ जाता है। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको बहुत बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे सर है ना इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, और ये सर जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सबको समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। डाउट रहता है, मैं खुद गाँव से हूँ, मैं भी गाँव से आया हूँ, और जो भी स्टूडेंट आएंगे तो हम कहेंगे कि इधर उधर नहीं भटकना है, आना है तो केवल englishia.com। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अभी मैं प्रेजेंट हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में प्रयास एजुकेशन में, और आज हम इंग्लिश के क्लासेस में जाने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट से मिलाते हैं आपको, टीचर से मिलाते हैं, किस तरह और कैंटीन देते हैं सर। बने रहिए हमारे साथ, प्रयास एजुकेशन को कुछ हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको, दिखाओ उधर। आइए हम कैंपस की ओर आपको ले चलते हैं, ये प्रयास एजुकेशन का ऑफिस है। पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं सबको धन्यवाद। सर क्लास अभी चल रहा है सर, ये क्लास 12 का इंग्लिश बैच है, इंग्लिश का कोचिंग है, इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ क्लास 12 को पढ़ाया जाता है। आपके कितने स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं सर? इस बार 800 से अभव स्टूडेंट मेरा सेल्फ एग्जाम दिया है फाउंडेशन बेच का, 200 से 300 के बीच क्रश कोर्स का रहा है, लगभग 1000 स्टूडेंट मेरा जो है एग्जाम दिया इस बार। तो सर क्या आपके इस बार भी सजेशन शो में शो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे सर? देखिए इस बार ही नहीं, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ लगभग 10 सालों से जो है मेरा ये सजेशन बच्चों के लिए जो है रामबाण साबित होता है, उसके एग्जाम में उसके मार्क्स को बढ़ाने के लिए वो एक समझिए एक प्रकार का टॉनिक है, वो जो है मील का पत्थर साबित होता है उसके एग्ज़ाम में। और जहाँ तक बात सजेशन की है, उसमें थोड़ा समय लगता है सर, मेहनत लगता है सर, ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता, वो खुद का मेरा वर्जन होता है, और मेरा सजेशन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से वो समझिए कि लगभग जम्मू का 80-90% विद्यार्थी के पास मेरा सजेशन होता है। अब मेरा एक ही मानना है कि अंत भला तो सब भला, यदि आपका एग्जाम अच्छा चल जाए तो रिजल्ट भी आपका अच्छा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है सर, तो हमारे चैनल द्वारा क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को? जितने भी छात्र छात्राएं इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें और उनके शिक्षकों को हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि वही हैं जो विद्यार्थी के बेस को बनाने का कार्य करते हैं। 10 वर्षों तक एक शिक्षक के पास होना, वहाँ जो है माता पिता गुरु का जो संबंध है वो उनके साथ जुड़ जाता है, और हर शिक्षक चाहता है कि उनका स्टूडेंट अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए और गांव समाज का नाम हो, राज्य का नाम हो, और राज्य लेवल पर स्टेट लेवल पर उनका मार्क्स आए, टॉपर स्टूडेंट हो, हर किसी का सपना होता है। उसमें उनके शिक्षक जो है कोई कभी नहीं छोड़ता, बेखूबी जो है मेहनत करते हैं। उन बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप धैर्य रखें, शांति से एग्ज़ाम दें, किसी भी प्रकार का जो है बहकावे में ना आए, और आपका ये पेशेंस ही आपके मार्क्स को बनाएगा, आपके रिजल्ट को बनाएगा। और उन्हें यही कहना चाहेंगे कि मैट्रिकुलेशन के बाद हमारा जो है 11 का बैच शुरू होने वाला है, आप किसी के बहकावे में ना रहें। सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे यहाँ हैं जो दिखावा अधिक करते हैं, ठीक, और उन्हें यही कहना चाहेंगे कि आप प्रयास एजुकेशन कैंपस आएँ, यहाँ सभी विषयों को पढ़ें, और इसी में मेरा englishia.com के नाम से क्लास चलता है इंग्लिश हिंदी का, आप बखूबी यहाँ तक पहुँचें। जो भी स्टूडेंट मेरा इस बार इंटर का एग्ज़ाम दिया है वो अपने रिजल्ट का जो है बिल्कुल टेंशन ना लें, जो समय बचा है उसका थोड़ा मस्ती करके उपयोग करें, और होली के बाद फिर से वो अपने अपने एम में लग जाएं, लक्ष्य में लग जाएं, और वही है जो हमारे बच्चों को मोटिवेट कर यहाँ तक पहुँचाता है। ताली बजाइए सर के बात करें तो
सर जम्मू में अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं सर, जान पहचान ज्यादा, और आपको बता दूं कि सर हर क्षेत्र में आपका स्टूडेंट देखते हैं, आखिर क्यों, इस पर आप क्या राय देना चाहते हैं? हमने बच्चों के साथ कभी भी उसके समय को बर्बाद करने का परिभाषा नहीं दिया, हम उससे वो कंटेंट दिए जो जरूरी है। यहाँ क्या है, कभी कभार हमारे बच्चे को डिस्प्यूट किया जाता है कि धनदास सर बेसिक नहीं पढ़ाते तो कोई एडवांस नहीं पढ़ाता, हमें उन्हें सिर्फ ये मैसेज देना है कि एग्ज़ाम 12 का देना है ना कि नर्सरी का। नर्सरी का सिलेबस पढ़ेंगे, लास्ट के 3 महीने में परेशान रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी आपका रिजल्ट मेकर होता है और सदैव रहेगा। और आपने अभी कहा कि हर क्षेत्र में हम बच्चों को इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो इंटर के बाद एयरफोर्स, नेवी, NDA, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा जहाँ की इंग्लिश उसके लिए अनिवार्य होगा, वो बेखूबी जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, उसमें कोई शंका नहीं है। ग्रामर के साथ पूरा लिटरेचर और समय पे कोर्स, नियमित क्लास, ये सभी हमारा फंडा रहा है सर। सर वर्तमान समय में जो स्टूडेंट आने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या कहेंगे, किस तरह एग्ज़ाम तैयारी करें? इन सभी विद्यार्थियों को बस मेरा एक ही कहना है कि आप हमारे ऊपर पेशेंस रखें, भरोसा रखें, और आपका भरोसा ही आपके रिजल्ट को बनाएगा। क्या सर अभी तक राइट बोले हैं क्या? यस सर। तो आप लोग क्या समाज के नाम रोशन करेंगे ना? यस। क्या हमारा बिहार बदलेगा? यस सर। अच्छा कुछ सवाल कर सकते हैं सर आपके? वहाँ सर आइए। कहाँ से आई है बाबू? सोखो से। खड़े हो जाओ। सर किस तरह पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। ऑल दी बेस्ट, आइए और हमारे स्टूडेंट से मिलाते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? सुमन। कहाँ से आई? खड़े हो जाओ। कहाँ से आई? मंजवेश। सर किस तरह पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे सर के स्टूडेंट जो आएंगे फिर? कहेंगे अच्छा अच्छा सर पढ़ाते, अच्छा से पढ़ाते, समझ में आ जाता है। अच्छा बिल्कुल, ताली बजाइए थोड़ा। आइए स्टूडेंट। क्या नाम हुआ? खड़े हो जाइए भाई। कहाँ से आए? नवीन नगर से। अच्छा पढ़ लिख के क्या बनिएगा आप? इंजीनियर। इंजीनियर बनिए, वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए इंजीनियर ईमानदार बनिएगा या भ्रष्टाचार बनिएगा? ईमानदार। ईमानदार बनिएगा बिल्कुल। अच्छा आइए और हम मिलाते हैं स्टूडेंट से। आप कहाँ से आए? नवीन नगर से। सर किस तरह पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा तो क्या कहेंगे जो स्टूडेंट आएंगे हमारे चैनल द्वारा? उनको हमारे तरफ से बहुत अच्छे शुभकामनाएं। बहुत अच्छे शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। थोड़ा ताली बजाइए। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मोटिवेट कर सके सर? बढ़िया। कहाँ से आए? बादलडे। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। सर किस तरह पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ा। अभी तक क्या पढ़े हो? अभी तो मेरा 2 दिन क्लास है। अच्छा। क्या नाम हुआ भाई? संदीप कुमार। किस तरह पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया से जो क्वेश्चन में बढ़िया शिक्षा दिया जाए। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कहाँ से आए? सिंगिया। आप कहाँ से आए? ललदैया। किस तरह पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे। ललदैया। अच्छा मैट्रिक में कितना नंबर आया? 306। बिल्कुल। अच्छा आप कहाँ से आए? ढंड से। अच्छा तो क्या कहेंगे सर कि जो स्टूडेंट आएंगे सर के पास? सर के पास जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको बहुत से बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगी, क्योंकि हमारे सर है ना इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, और ये सर जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सबको समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। जो डाउट रहता है वो कैसे पूछती हो? सर से मतलब क्लास में भी पूछ लेते हैं, बाहर में भी जाके पूछ लेते हैं सर से। क्लास के बाद में भी पूछ लेते हैं। हाँ है ना। आपका क्या नाम हुआ बाबू? खड़े हो जाओ। आप नाम? सुमन कुमारी। ढंड से आए हूँ। अच्छा ढंड से आए। अभी तक क्या पढ़ी है? ग्रामर में सर सिंटेक्स पढ़ाए हैं और बुक से पढ़ाए हैं। सर बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं ना? हाँ सर बेसिक एडवांस सब पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। बैठ जाओ आप दोनों। आप कहाँ से आए बाबू? सोखो से। सोनो से। आप कहाँ से आए? ढंड से। किस तरह पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया। अच्छा आप दोनों को ऑल दी बेस्ट। आप कहाँ से आए? बजाज से। आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट जो आएंगे? खड़े हो जाएगा। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तो वो भर भर पढ़ाया है। तो क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट आएंगे हमारे चैनल द्वारा, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम यही कहना चाहते हैं वो आए और अच्छा से पढ़े। बिल्कुल। और कुछ माँ पापा का राम रोशन करे। जी जी बिल्कुल। और यही कहना चाहते हैं।
ताली बजाइए तो बात करिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लगातार बोल सके, मोटिवेट कर सके, अच्छा संदेश दे सके? कोई अच्छा आप हैं। अच्छा वाह क्या बात है, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम सूरज कुमार दास है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जो आएंगे गांव देहात से स्टूडेंट आएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं खुद गाँव से हूँ जी, मैं भी गाँव से आया हूँ। बिल्कुल, और जो भी स्टूडेंट आएंगे तो हम कहेंगे कि इधर उधर नहीं भटकना है जी, आना है तो केवल englishia.com। अच्छा, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मैं भी दो तीन जगह गया था। बिल्कुल, उधर से घूम के आया। अच्छा, तो यहाँ से बेटर हमको कहीं नहीं मिला। प्रयास से क्वेश्चन में एकदम शिक्षा अच्छे से दिए जाते हैं ना? यस सर। जी सर, आपने सवाल पूछा था, आपको अंदाजा लग ही गया होगा। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और कोई है सर? गर्ल्स में कोई स्टूडेंट है? बिल्कुल, पूछ लेते हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम आप सभी से कहना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे, कि सब यहाँ आए englishia.com में, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और जितना भी डाउट होता क्लास में भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास से बाहर कोई इसमें रुकावट नहीं कि हम डाउट नहीं पूछ सकते या डर के मारे नहीं पूछ सकते, हमको जब मन होता है तब पूछ सकते हैं। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम दुखनाडी से आए हैं। आप कहाँ से आए? नवी नगर से। अभी तक क्या पढ़ी है? अभी तक ग्रामर का भी एक चैप्टर हो गया, हिंदी का एक चैप्टर और इंग्लिश का एक चैप्टर हो गया। क्या नाम हुआ? शमसी समा। आप कहाँ से आई है? मनियड्डा से। आप? मनियड्डा। किस तरह पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे। प्रयास एजुकेशन में अच्छे शिक्षा दिए जा रहे हैं? यस सर। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए? लेट से आए, इतना लेट? नवी नगर से आए हैं। कहाँ से आए? नवी नगर से। नवी नगर से। अच्छा, आप? अभयपुर से आए। अभयपुर से। अच्छा, आप खड़े हो जाए बाबू। पढ़ लिख के क्या बनेगी? पुलिस लाइन में जाना है। क्या? पुलिस लाइन में जाना है। पुलिस लाइन में, वाह वाह, ताली बजाइए, पुलिस लाइन में जाना चाहती है। जम्मू में जब हम यहाँ पे आए थे पहली बार जी सर, तो बस गिने चुने कोचिंग हुआ करता था। बिल्कुल। लोग जो है हमेशा ये कहा करते थे कि सर सिलेबस समय पे पूरा नहीं होता है, गुमराह हो जाते हैं, और उस वक्त सिलेबस पुराना था सर। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, और सब्जेक्टिव ऐसा है कि हर कंडीशन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा और बच्चों को सिखाना होगा, राइटिंग स्किल के साथ बच्चे एग्जाम में लिख सके ये सब सिखाना होगा। ठीक, ये सभी प्रॉब्लम था, और फिर जब से सिलेबस चेंज हुआ है बच्चों का जो है रुख हमारे ओर बदला है। अभी लगभग स्टूडेंट लगभग 10,000 से अभी स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं अब तक 10 सालों में, और हर किसी के जहन में होता है, सपना होता है कि वह धंधा सर से पढ़े। जहाँ तक देखिए बच्चों को इधर उधर करने की बात तो आती है, लोग डिसरूट कर देते हैं बच्चों को, इधर उधर भड़काने का कोशिश करते हैं। हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप विश्वास रखो हमारे ऊपर, और आप अपने सीनियर से पूछो जो पढ़कर गया है, जो पढ़कर नहीं भी यहाँ से जा सका सर, वो भी जो है नाम लेता कि काश हम धंधा स्तर पर पढ़े होते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर क्या लगता है कि ग्रामीण के स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ कुछ संस्कार भी देना जरूरी होता है ना? हमारे पास क्या, देखिए हम बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको फोर्स यहाँ बलजबरी पढ़ना है। ठीक, और बच्चे जो हैं ग्रामीण एरिया से आते हैं वो 10 साल तक इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ता है सर। ठीक, और नाम मात्र पढ़ते हैं, अचानक 10 और 2 12 साल का डोज उसको देना पड़ता है, बेसिक से लेकर उसको एडवांस तक जो है स्टेज में हमको लाना पड़ता है, तब वो 12 के एग्ज़ाम को सही तरीके से करे। ठीक, ग्रामीण बच्चों को ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, अगर उसका इंग्लिश सही है सर, अगर वो इंग्लिश 2 साल हमारे पास सही से पढ़ता है सर, ठीक, तो आगे जाकर वो कहीं भी चला जाए, किसी भी सिटी में जाए, स्टेट में जाए, उसको अंग्रेजी समझने में, लिखने में, और कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम जो है वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उसे तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं होता है। उतना कर हम यहाँ से भेजते हैं 12 के साथ, कोई दिक्कत उसको नहीं होता सर। हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती टाइम निकाले हमारे लिए। धन्यवाद आपको कि आपने भी जो है बेस्ट टाइम में जो है यहाँ हमारे पास आप जो है बच्चों का हल जानने के लिए आप पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी दर्शकों को। थैंक यू।